अगला ओवर राहुल फिर से बोलने के तैयार और अमर स्ट्राइक पर है। और आज क्रिकेट मैच क्या ये ओवर अमर बड़ा करने को देख सकते हैं। मुकाबला देखते हैं क्या होता है इस ओवर में रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच होने वाला है। हमारी ब्लॉगर पीच का जायजा लेते हुए देख सकते हैं विनर टीम के लिए ये कप रखा गया है। सो गाइस ये हमारे चीफ गेस्ट जिकपानी थाना के प्रभारी मिस्टर रवि रंजन आइए इनसे पूछते हैं ये किनको सपोर्ट कर रहे हैं टीम को सपोर्ट कर रहे हैं बताइए नाम से कॉल है फिर से कॉल रॉयल स्ट्राइकर्स है और अमर आकर है फिर से स्ट्राइक में और क्या एक बड़ा शॉट फिर से देखने को मिल सकता है। कितने एक्साइटेड है आप इस मैच के लिए? काफी एक्साइटेड स्ट्राइक पर अमर फिर से आते हुए ऑल हैबिट्स को सपोर्ट कर एक ऑल हैबिट्स के टीम मेंबर दिख रहे हैं तो चलिए चलते हैं अरुण से भी पूछते हैं वो लोग का क्या स्ट्रेटेजी है। और तो आपका नाम क्या है? प्रकाश राज। और आप लोग का क्या स्ट्रेटेजी है क्या है बताइए कुछ अपने टीम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बल्लेबाज संजय किसको स्ट्राइक पर जो कि बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं वो इस निश्चित रोल को निभाएंगे देखने के लिए बनता है। और दर्शकों में भारी उत्साह और राहुल अपनी गेंद को लेकर तैयार राहुल जी समझ जाएंगे बाजी को संजय किसको पार नहीं पा रहा है कलमाली क्या होता है कर्माली तैयार अगली गेंद लेकर शानदार शॉट क्या अमर को रिस्क लेना चाहेंगे इस ओवर में देखते हैं अगली गेंद पर शानदार शॉट अमर के द्वारा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर अमर अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बड़े बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं। और फाइनल में एक बल्लेबाज को कैसा खेलना चाहिए उसका एक उदाहरण पेश करते हुए अमर साबित हो गया अमर को क्यों मिल रहा है मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ओ मैन ऑफ द टूर्नामेंट क्या सियाराम इस क्या अपने बॉल से हरकत करा सकते हैं क्या सियाराम इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकते हैं देखते हैं इस ओवर में सियाराम के पास ये काबिलियत है। और फिर से सियाराम अगली गेंद लेकर तैयार शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए सियाराम क्या सियाराम आज एक्स फैक्टर साबित होंगे। अमर तैयार क्या कोई है ही नहीं उधर बहुत बड़ी खबर सियाराम का हैट्रिक और सियाराम अगली गेंद लेकर और कर्माली ने साबित कर दिया कि गेंद उनके हाथ से नहीं बिगड़ती कर्माली की बैट बॉलिंग बढ़ती जा रही है बैट बॉलिंग मेरे यहाँ टोके में कर्माली 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 ओ ओ सियाराम अगली गेंद लेकर तैयार बड़ा शॉट खेलने का फिर में फंसाते हुए बल्लेबाजी को सियाराम सबसे ज्यादा विकेट फाइनल मैच में और गेंदबाजी में सियाराम और बल्लेबाजी में जानकी देखिए क्या होता है गजब का कॉम्बिनेशन है भाई
तो इसी के साथ रॉयल स्ट्राइकर्स की बैटिंग खत्म होती है। ऑल हैबिट्स का बैटिंग स्टार्ट हो चुका है और ये पहला ओवर चल रहा है। इस मैच को देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। अभी तक अच्छी देख सकते हैं गाइस, ये लोग का उत्साह कितने एक्साइटेड हैं। ये लोग पूरे गोल से और पीछे कर वाले तैयार और एक बहुत ही बहुत शॉट हमारी के द्वारा बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए भास्कर भानु और करमाली कुछ और फिर से सोनू कुमार गेंद को लेकर तैयार। भास्कर भानु स्ट्राइक पे अब बॉलिंग के लिए है अंकित कुमार, बॉलिंग के लिए है अंकित कुमार, स्ट्राइक पर है भास्कर भानु। पावर प्ले का आखिरी ओवर, एक बड़े ओवर की उम्मीद। अच्छी और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए भास्कर चारों तरफ देख रहे हैं किधर फील्डर नहीं है और अंकित गेंद लेकर तैयार और भास्कर उतने सुझूल भरे बल्लेबाज हैं, वो समझते हैं सिचुएशन को और उसी के अकॉर्डिंग खेलते हैं। भास्कर एक अच्छे बल्लेबाज और देखते हैं अगले गेंद पे क्या होता है। अच्छा शॉट, एक फ्लिक कर दिया तो दोनों के लिए बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही शानदार शॉट भास्कर के द्वारा। सुझूल भरे बल्लेबाजी, ऐसे बल्लेबाजी की जरूरत है डेविड को भी। शानदार शॉट, भास्कर भानु तैयार और एक बड़ा शॉट खेल दिया। और ये अंकित के हाथ है बॉल, फ्री हिट है, कभी भी बदल सकती है गेम का परिणाम। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कमेंट्री करते हुए कमेंटेटर्स, ये है मृत्युंजय दुबे और एक ये मैच की सारी अपडेट हमें यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ना भूले साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं फॉर फर्दर अपडेट। राहुल ने नियत साफ कर दी है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमार गेंद के साथ तैयार है अपनी अगली गेंद के लिए। राहुल का किस्मत पूरा साथ देते हुए, राहुल ओल्ड हैबिट के सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर है और ये 10 ओवर की समाप्ति पर 104 रन। 12 गेंदों में 35 रनों की जरूरत, 11 गेंद 35 रन, हाई हो गया है बाउंसर भाई, ये पर बढ़ते जा रहा है। कमजोर दिन वाले ना देखे, इंटेंसिटी वाला भास्कर की बल्लेबाजी हमें एमएस धोनी की याद दिलाते हुए एक सुझबुझ वाली बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाज। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना अभी भी मुश्किल, काटने के मुकाबला
ये कहते हैं 24 रन बहुत ही अच्छा क्रिकेट। दो गेंद भी प्यारा रन, दो गेंद भी प्यारा रन। इसी के साथ रॉयल स्ट्राइकर्स की जीत होती है। एक शानदार फाइनल, शानदार फाइट देते हुए अमर की पारी अमर हो गई आज। जीत के बाद देख सकते हैं रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम मेंबर्स को। रन है 102 रन। मैच के मैन ऑफ द मैच है राहुल कुमार सर। के बाद का मैन ऑफ द मैच आता है आयुष आर्यन को, जिन्होंने अपने मैच में 20 रन बनाए। बाद वाले मैच का मैन ऑफ द मैच है भास्कर बारू सर, जिन्होंने अपने मैच में 40 रन। जो मैन ऑफ द मैच है वो नाम नवनीत सिंह है। के बाद का मैन ऑफ द मैच खिलाफ जाता है धर्मेंद्र यादव जी को। के बाद का मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है जो आज के मैच का है, आप सभी को उनका नाम पता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। उस किताब का नाम है मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि मुझे लगता है कि आप सभी को पता है कि वो किताब किसको जाने वाला है। रखा गया है बेस्ट अंपायर के लिए, इसके लिए काफी नॉमिनेट थे। पहला जो बेस्ट अंपायर का अवार्ड जाता है नवनीत सिंह सर जी को, केशव कुमार खावड़े सर को पहले स्वागत करें उनका। हमारे मुख्य अतिथि श्री रवि रंजन जी को बुलाना चाहूंगा, जो कि रनर अप को मैं सारे रनर अप जो टीम हुए ओल्ड एबिटा मारे सभी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, ताकि जो ट्रॉफी है और जो मेडल है वो दिया जा सके उनको। सभी को मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पर, और साथ ही साथ उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए काफ़ी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। ये मैच ओवर होने के बाद का सीन है, देखिए सब अपने अपने फ्रेंड्स से मिलते हुए।
तो गाइस मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।